हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय स्टडी सीट ऑफ फिजिकल एजुकेशन चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप सबका बीपीएससी फिजिकल एजुकेशन का रिजल्ट आ गया है, जैसा कि इसमें कुल 585 स्टूडेंट्स जो है वो पास आउट हुए हैं एंड कल्याण विभाग मिला करके, तो 9th-10th के लिए। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं, प्रथम स्थान आपका मुनीश कुमार का दिया हुआ है। एंड जैसे कि आपको मैं सीधे मेरिट लिस्ट पर ले जा रही हूँ, इतने सारे लोगों का सिलेक्शन हुआ है, आप पूरा देख सकते हैं। एंड जैसे कि मेरिट की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आप सबका मेरिट, मेरे जो आज मैंने कल आपको कट ऑफ बताया हुआ था कि इतना जा सकता है, सेम वही कट ऑफ गया है जितना मैंने बताया था, उसी के आसपास पूरा मतलब टू कॉपी हो गया है, वही कट ऑफ गया है जितना मैंने आपको बताया था। तो जैसा कि आप देख सकते हैं दोस्तों कि अनरिजर्व कैटेगरी में पुरुष मेल का जो है वो 74 कटाव गया है एंड अनरिजर्व फीमेल में 66 कटाव मार्क्स 66 गया है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने इसी के आसपास बताया हुआ था, मैंने कल मॉर्निंग में ही बताया हुआ था कि आपका 75 से 80 के बीच में मेल का रहेगा और 65 से 70 72 के बीच में फीमेल का रहेगा जनरल का, तो उसी के आसपास सेम टू सेम आपका कट ऑफ है। आपका ईडब्ल्यूएस में है 68 एंड ईडब्ल्यूएस फीमेल में है 62, एससी कैटेगरी का 52 है एंड एससी फीमेल का 39 है, आईएसटी का 48 है एंड एसटी फीमेल का 51 है। देख सकते हैं आप, एसटी मेल का 48 है तो एसटी फीमेल का 51 है, ईबीसी का 62 है, ईबीसी फीमेल का 50 है, अब बीसी कैटेगरी का 67 है एंड बीसी फीमेल का 58 है, बीसीएल का आपका 56 है एंड डिसेबल्ड का 40 है, डिसेबल्ड का 49 है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों कि जैसा बताया गया था उतना ही आपका कटाव मार्क्स गया है, एससी कैटेगरी का बहुत ही कम गया है, जिसका भी अच्छा खासा पासिंग मार्क से ऊपर हुआ होगा उसका हो गया है। तो कुल मिलाकर के जितना उम्मीद था उतना ही कटाव गया है, बस जनरल का आपका कटाव थोड़ा हाई चला गया है। तो बहुत सारे बच्चों का जिसका हो गया है उसके लिए वेरी वेरी कांग्रेचुलेशंस, बस जिसका नहीं हुआ है वो अपना मन छोटा ना करें, आप सब भी तैयारी में हैं। और जनरल कैटेगरी होने के कारण बहुत लोगों का नहीं हुआ और अन कैटेगरी में तो आप देख ही रहे हैं, आपसे कम नंबर लाने वाले भी सेलेक्ट हो गए हैं, तो इसमें निराश होने की बात नहीं है। अगला फिर से वैकेंसी आ रहा है, बीपीएससी फेज 3 आ रहा है जिसमें से अगस्त में आपका मेन एग्जाम होगा एंड यूपी में वैकेंसी आ रही है, यूपी एलटी ग्रेड। इन सबकी आप प्रिपरेशन डेली बेसिस पे पढ़ते रहिए दोस्तों, क्योंकि बिना रिवीजन के बिना प्रैक्टिस के सफलता पाना मुश्किल है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो तैयारी करके बैठे हुए हैं, तो उन सबको बीट करने के लिए आपको डेली बेसिस से पढ़ना होगा। तो हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, ये बात जरूर याद रखिएगा। और कमजोर मन कभी जीत नहीं सकता, अपने मन को मजबूत बनाइए। हम समझ सकते हैं दो चार दिन के लिए आपके मन में भावना रहती है, बट उस भावना को हटा करके फिर से नए तरीके से आप तैयारी शुरू करिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सूचना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।